सो इट वॉज़ अ सैटरडे इवनिंग और हमने प्लान किया चलो हम थोड़ी सी वॉक करके आते हैं और कुछ ग्रोसरी की चीज़ें लाने वाली थी तो वो भी ले आएंगे आते हुए। और वर्कशॉप करने के बाद ही हम थोड़ी सी वॉक इधर उधर कर रहे थे। आंसर में वैसे रात को बड़ा सन्नाटा होता है, इतना रश नहीं होता। वैसे मेरे हस्बैंड को होता है कि अगले दो तीन भी छुट्टी है तो आज क्या जाके करना है ना, आज आराम करने है ना। मुझे होता नहीं, अगर आज सैटरडे है ना तो आज भी हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाते हैं। आज इस टाइम को भी कंज्यूम करना चाहिए, मतलब इस टाइम को भी क्यों ज़ाया करना है। वैसे यार यहाँ पे पता नहीं क्या मौसम है, गर्मी जाते गर्मी आते आते एकदम से सर्दी आ जाती है और एकदम से इतना मौसम चेंज हो जाता है कि बंदे को लगे कि यार नहीं कोट वाला मौसम आ गया। और अगले ही दिन सुबह को ऐसे गर्मी पड़ती है कि बंदा कहे कि यार मैंने जर्सी भी क्यों पहनी हुई है। हम ऐसे पेरेट और लगा रहे थे मार्ट्स वगैरह का, तो देख रहे थे कि क्या हिसाब किताब है सारी चीज़ों का। और ये जो हमने चीज़ें वगैरह रेट्स वगैरह देखे, ये पाकिस्तानी वाली आते थे हमारी कि ये देखो ये हमने इतने का मंगवाया तो यहाँ से इतने का मिल रहा है, देखो हमें सस्ता मिल गया, हमें इतना मुनाफा कमा लिया। तो ये वाला हिसाब किताब होता है, हम अगर हमने सस्ती चीज़ मंगा ली हो ना, जैसे हमने कॉपिंग से ऑर्डर किया था तो हमें होता है वो यार हमें तो बड़ा मुनाफा हो गया है। हालांकि बच्चों को 10,000-15,000 के वो भी बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमें होता है कि वो यार हमने कितना पैसे बचा लिए हैं इसमें से। वैसे यहाँ से जो हमने बिस्किट चीज़ खरीदे थे ना वो बहुत ही मज़े के थे ये वाले। ये बाकी भी हम रेट्स वगैरह चेक करते रहते हैं कि इसका ये किधर है, क्या है, क्या हिसाब किताब है। खरीद रहा होता है ना, वैसे बंदा चीज़ें खरीद रहा होता है तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं यार कितना का खर्चा हो गया है, कितनी की चीज़ें ले ली है, वो कितने कितना का बिल आएगा। लेकिन वैसे इसका एज एक्सपेक्टेड इतना बिल नहीं आया था, ढाई मानी नहीं था, और जैसे जितनी चीज़ें ले ली थी उसके हिसाब से तो ठीक ही था। और फिर बस ये घर आके हमने 3 बिस्किटों का तो खात्मा कर दिया था। थैंक यू सो मच इन्होंने मुझे इस पैक के बारे में बताया, तो बिलाखिर हमने इस पैक को वापस कर दिया है। बस भारी दिल के साथ हमने रख दिया इसको बाहर, तो बस उठा के ले जाएंगे। वैसे भी हमारा पहला एक्सपीरियंस था ना, तो इतनी सी आइडिया नहीं था कि इसको वापस भी करना पड़ सकता है, लेकिन खैर चलो कोई नहीं। और बस ओके बाय।